आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आवर गाइड पे। आज हमारे इस वीडियो में अमेरिका की मशहूर 90s के समय की अभिनेत्री मार्लिन मुनरो के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। अगर आप नहीं जानते हो कि मुनरो कौन थी तो शायद आप हॉलीवुड के बारे में थोड़ा कम ही जानते हैं। ये $200 मिलियन से अधिक संपत्ति की मालकिन के साथ एक बेहतरीन अदाकारा और गायिका भी थी, जिनके संबंध USA के उस समय के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के साथ भी रहे और इनकी मृत्यु के बारे में भी कई तकरीरें दी जाती हैं। USA की बहुत बड़ी खुफिया संस्थाएं इन्हें ड्रग ओवरडोज के कारण हुई मृत्यु मानती हैं। वहीं कुछ बड़े सितारे और मुनरो के शुभचिंतक इसे सोचा समझा मर्डर मानते हैं, जिसमें US की गवर्नमेंट भी शामिल है। हमारे इस वीडियो में हम मुनरो के जीवन के कुछ अहम हिस्सों पर चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मुनरो का जन्म 1 जून 1926 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया में हुआ था। उनका जन्म का समय असली नाम नॉर्मा जीन था। उनका बचपन का अधिकांश समय अनाथालय में ही बीता क्योंकि उनके परिवार के कोई सदस्य जीवित नहीं थे। 1937 में एक पारिवारिक मित्र ने कुछ वर्षों तक मुनरो की देखभाल करी और फिर उन्हें किसी कारण से शहर से दूर जाना पड़ा, जो मुनरो का खर्च नहीं उठा सकते थे। इसलिए उन्होंने मुनरो को एक फॉस्टर होम में दाखिला दिलवाया, जहां मुनरो अपनी लिखी हुई बुक में बताती हैं कि वहां उनके साथ कई बार यौन उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा, जिस कारण वे मानसिक रूप से सहम गई और किसी से भी कुछ बातचीत नहीं करती, किसी काम में मन नहीं लगता, जिस कारण 15 साल की उम्र में हाई स्कूल से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। दिखने में खूबसूरत होने के कारण 1942 में 16 साल की उम्र में उनकी विवाह एक समुद्री व्यापारी जिमी डॉर्फ्टी से हुआ। मुनरो के जीवन में कोई अपना कहने को नहीं था। मुनरो ने कहा कि उनकी शुरुआती यादों में से एक याद उनकी सौतेली माँ की थी, जो कई बार सोते समय मुनरो का मुंह तकिए से दबाने की कोशिश करती थी। मुनरो की एक सौतेली बहन भी थी जिससे वह बहुत करीबी नहीं थी। वे जीवन में करीब मुश्किल से 6 से 7 बार ही मिले होंगे। मुनरो का करियर। मुनरो भी हॉलीवुड के उस समय की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों जिम हॉर्लो और लाना टर्नल्स जैसी अभिनेत्री बनना चाहती थी, परंतु तंग हालातों के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। जब उनके पति जिमी डॉर्फ्टी को काम के सिलसिले में दक्षिण प्रशांत महासागर में भेज दिया गया तो उस समय मुनरो के घर का खर्च चलाने के लिए कैलिफोर्निया के एक युद्ध सामग्री कारखाने में काम करना शुरू किया। एक बार किसी फोटोग्राफर ने कारखाने में सभी वर्कर्स की तस्वीर खींची, जिसे उसने न्यूज़पेपर में छापा। मुनरो दिखने में खूबसूरत थी, जिस कारण सभी की नजरें उस तस्वीर पर उन्हीं पर पड़ी और देखते ही देखते उन्हें कई बड़ी मॉडलिंग कंपनी से ऑफर आने लगे। उनके जीवन में शादीशुदा जीवन कुछ ज्यादा खास टिक नहीं पाया। मुनरो के जीवन काल में उनकी 3 शादियां हुई। पहली शादी 16 वर्ष की आयु में जिमी डॉर्फिटी से हुई। उसके बाद उनकी दूसरा विवाह 1954 में 28 वर्ष की उम्र के बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी जे मैगियो के साथ हुआ। 2 साल यह शादी चलने के बाद उनका तीसरा विवाह उस समय के महान नाटककार और मिलर के साथ हुआ। वर्ष 1946 में मुनरो के लिए बहुत सारे बदलाव आए। इसी वर्ष उनका तलाक उनके पहले पति जिमी डॉर्फिटी के साथ हुआ था और उन्हें अपने करियर का सबसे पहला फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी वर्ष प्राप्त हुआ। करियर की शुरुआत में 1-2 वर्ष कुछ खास नहीं रहे, परंतु फिर कुछ समय के बाद उनकी प्रसिद्धि बुलंद होने लगी। वो हॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक बन गई। 1953 में उनकी मूवी में टर्न आया। उनका किरदार सभी को पसंद आया। एक विवाहित महिला के रूप में उनका किरदार उस मूवी में था, जो अपने प्रेमी की मदद से अपने पति को मरवाने का प्लान बनाती है, जो लोगों के बीच काफी ज्यादा हिट हुआ। उनकी प्रसिद्ध मूवियों में से एक मूवी है जेंटलमैन परफेक्ट ब्लॉन्ड्स। उनकी दूसरी मूवी सम लाइक इट हॉट और द 7 Year Itch उनकी कुछ प्रसिद्ध मूवियों में से एक है। उनके प्रसिद्ध गाने भी हैं माई हार्ट बिलोंग्स टू माई डैड, लेजी, डायमंड्स आर ए गुड गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। ये उनकी कुछ प्रसिद्ध संगीत रहे हैं। 19 मई 1962 में मुनरो ने उस समय के USA के राष्ट्रपति के लिए अब तक का सबसे अधिक प्रदर्शन और सबसे अधिक चर्चित उनके बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट गाया। राष्ट्रपति कैनेडी को यह गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने उस समय मंच पर आकर कहा कि मेरे लिए गीत के बाद राजनीति से संन्यास ले सकने के लिए यह गीत काफी है। मार्लिन मुनरो की मौत कैसे हुई, यह एक रहस्य है। 5 अगस्त 1962 में केवल 36 साल की उम्र में ही मुनरो को
के लॉस वेगस के एक अपार्टमेंट में उनका निधन हुआ। उनके बिस्तर से कई ज्यादा नींद की गोलियां भी मिली। उनकी मौत का कारण आधिकारिक तौर पर ड्रग ओवरडोज के कारण बताया जाता है। ऐसी अफवाहें भी सामने आई हैं कि उनकी मृत्यु के समय राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी भी शामिल थे। मुनरो को उनकी पसंदीदा एमिलियो अकी पोशाक में दफनाया गया था, जिसे कैलीडेल कॉस्ट्रेक के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे उच्च स्तरीय कैडलेक पोशाक थी, जो भारी गेज ठोस कांस्य से बना हुआ था और सैंपेन रंग के रेशम से बना हुआ था। हॉलीवुड की कई बड़ी कलाकारों में जैसे लेडी गागा, मैडोना भी मुनरो की नकल करती हैं। मुनरो के इस स्तर का उच्च नाम था, जिनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य है। मात्र 36 वर्ष की आयु में वे इस दुनिया से चली गई और उनके कामों और कई विवादों के कारण उनका नाम आज भी हॉलीवुड के गलियारों में मौजूद है। मुनरो ने जीवन में कई ज्यादा संघर्ष किया और कई ज्यादा संघर्ष के बाद वे खड़ी उठी और हॉलीवुड के नामी गिरामी नामों में से मुनरो का नाम आज तक याद रखा जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।